बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रहे हैं। गर्मियों की स्पेशल सौगात है, बना के रखें, स्टोर करें और यूज़ करें। इसके लिए ये 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा, 250 ग्राम इमली, 250 ग्राम ये आलू बुखारा। इसको रात को भिगो दिया था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। ऐसे ही आपने सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है। ये गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं। इसमें से मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये इमली आलू बुखारे का पल्प है, ये ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। अब एक बाउल लेंगे, ये छलना रखेंगे इसमें और इसको छान लेंगे ताकि जो कोई तिनका वगैरह या कुछ हो तो वो इसमें से निकल आए। छान लिया हमने अच्छी तरह, ये इसमें से जो तिनके वगैरह थे निकल आए हैं। अब एक पैन लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे और ये 1 लीटर पानी है ये डालेंगे इसमें। 1 किलो ही चीनी है ये डाल देंगे। अब चीनी को अच्छी तरह से हल होने तक इसको पका लेंगे। चीनी अच्छी तरह से हल हो गई है, अब इसमें इमली और आलू बुखारे का जो पल्प था वो डाल देंगे। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, मीडियम रखनी है आपने इसकी आंच। 6-7 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको पकते हुए। ये काला नमक है, 1 टीस्पून है ये। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप आम जो सादा नमक होता है वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको मज़ीद 5 मिनट पका लेंगे। नमक डालने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट पका लिया। अब ये तैयार है, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। शरबत ठंडा हो गया है, अब एक बोतल लेंगे, और उसमें भर के रख लेंगे। बोतल में डाल के इसको फ्रिज में रखें, जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल के तो इसको बनाएं, पानी में मिक्स करें और पी लें। शरबत बनाने के लिए 2 गिलास पानी है, इसमें ये तकरीबन आधा कप के करीब होगा ये इमली आलू बुखारे का शरबत, ये डाल देंगे। ठीक है, बर्फ़ डाल देंगे। ये आपका इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।